बायजूस ने रिसेंटली मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लेकिन इनका ये डिसीजन गलत भी जा सकता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। एक एडटेक स्टार्टअप होने के बावजूद बायजूस अपने मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा करता है। तो बायजूस ने अपने एजुकेशन फॉर ऑल सेगमेंट्स के लिए लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसकी अमाउंट अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन मार्च 2022 में मेसी की सोशल प्लेटफॉर्म के साथ हुए डील के चलते उन्हें हर साल 160 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे आपको मेसी के प्राइस का अंदाजा तो लग गया होगा। इसी के साथ बायजूस इस साल के फीफा वर्ल्ड कप और इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर कर रहा है। एंड एज पर द रिपोर्ट, बायजूस ने पिछले साल ऐसी मार्केटिंग के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए। एक तरफ बायजूस मार्केटिंग पर इतना खर्चा करता है और दूसरी तरफ 4500 करोड़ के लॉस का रीजन देकर अपने 2500 एम्प्लॉइज को फायर कर देता है। आई नो कि कंपनी का सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या एम्प्लॉइज से ज्यादा मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस देना सही है? आपके थॉट्स क्या है, कमेंट्स में जरूर बताओ।